अच्छा सर, तो अच्छा सर। इस वीडियो में हम बताएंगे कि डेलास में हमने क्या शॉपिंग की। मैं माइक दे रहा हूँ पापा को। तो नमस्ते जी। आज हमने पापा डेलास में क्या शॉपिंग की, कहाँ से की मैं पूछूंगा। तो आप पहले बताओ कि हमने कहाँ से की शॉपिंग। डेला शहर में हमने कास्को शॉपिंग सेंटर पर जाकर पहले तो कुछ स्वीट टॉफी टॉफियाँ खरीदी, फिर उसके बाद जींस काफ़ी यहाँ अच्छी थी, बहुत सस्ती थी और बहुत उच्च क्वालिटी की थी, जो हमने 4 पीस खरीदी। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखा, और भी चीज़ें देखी जो बहुत अच्छी लगी। और ये जो कास्को है, ये न्यूयॉर्क में भी है और भी कई अमेरिका के शहरों में है, पर डेलास में काफ़ी चीप और अच्छी क्वालिटी की चीज़ें उपलब्ध होती हैं जो हमने खरीदी। और यहाँ पर जो यहाँ के लोगों का व्यवहार था वो बहुत ही कल्चरल था, वो काफ़ी अच्छा लोगों का व्यवहार अच्छा, तो ये कॉस्टको और वॉलमार्ट में क्या अंतर है? था। वॉलमार्ट वॉलमार्ट में इतने विस्तृत स्तर पे चीज़ें प्राप्त नहीं होती, कास्को में बहुत ही ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं जो होलसेल रेट पर मिल जाती हैं। अच्छा, क्या कॉस्को में मेंबरशिप की जरूरत पड़ती है कि कोई भी जा बिल्कुल सकता है? बिल्कुल, वहाँ बिना बिना परिचय पत्र बताए अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। अच्छा, और आपको प्राइजेस कैसी लगी? कुछ ऐसा लगा कि कुछ प्राइजेस काफ़ी कम थी और अन्य जगह से यहाँ पर काफ़ी कम प्राइजेस थी। अन्य जगह, मतलब कौन सी जगह? न्यूयॉर्क शहर और फिलाडेल्फिया और अन्य कई भी, न्यू जर्सी में भी हम गए थे, वहाँ भी देखा था। अच्छा, और क्या कॉस्को में ट्रायल रूम थे जहाँ पर हम जा नहीं सकते नहीं हैं? यहाँ ट्रायल रूम नहीं है, सीधे आप पसंद करके खरीदें और उनका पेमेंट करें, और वो पेमेंट भी केवल कार्ड से होता है, कैश नहीं होता। तो ये था कॉस्टको का वीडियो, जो कॉस्टको पे हमने शॉपिंग की डलास टेक्सास में।